बहुत से लोग कहते हैं ध्यान होता नहीं, पैरों में दर्द है। बहुत से लोग कहते हैं हाथों में दर्द है। बहुत लोग कहते हैं बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द है। बहुत लोग कहते हैं शरीर साथ नहीं दे पाता। बहुत लोग कहते हैं मन नहीं करता। भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि साधना कैसे की जाती है। उन्हें ये नहीं पता साधना शरीर से नहीं है, साधना मन को है। और मन को जब तक नहीं साधेंगे, मन को जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे, मन के ऊपर बैठ करके हम साधना शुरू नहीं करेंगे, साधना नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रयास करते रहें शरीर के साथ, कितना ज़बरदस्ती रोक लें शरीर को, कितनी देर ही बैठाए रहें, नहीं होगी साधना। जब तक आप मन के ऊपर पकड़ नहीं करोगे, आप बिना ध्यान के आप सोचो कि कोई चक्कर जागृत हो जाएगा, हमारी कुंडलिनी शक्ति ऐसे उठ जाएगी, भूल जाओ आप लोग, दूर दूर तक नहीं होगा। पूरी उम्र योगा करते रहो, पूरी उम्र प्राणायाम करते रहो, पूरी उम्र प्रयास करते रहो, यम नियम का पालन करते रहो। जब तक ध्यान नहीं होगा, चक्कर जागृत नहीं होंगे। कितना भी जोर लगा लो, कितना भी प्रयास कर लो, नहीं हो पाएगा। आपकी उम्र गुजर जाएगी ऐसे ही प्रयास करते करते, लेकिन दो चार चक्कर से ज़्यादा जागृत नहीं होंगे। कितना भी कोशिश, आप जिनके नाम हैं जो योग ऋषि कहलाते हैं, आज भी हैं, आप उनसे पूछो जा करके कितने चक्कर जागृत हुए हैं, पता चल जाएगा आपको क्या स्थिति किसकी है। जब ये पता चलेगा इनका तो चक्कर ही नहीं खुले हैं। लोगों को योग सिखा रहे हैं तो भी नहीं पता कि कैसे साधना होती है, कैसे चक्कर जागृत होते हैं। तब आपको एहसास होगा कि परमात्मा क्या ताकत है, परमात्मा क्या साधना है, और उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। नहीं सोच सकते साधारण जीव, नहीं सोच सकते, क्योंकि साधारण जीव मन के अधीन है। साधना कैसे करोगे? आप कितना ही प्राणायाम करते रहें, चाहे हर रोज 4 घंटे प्राणायाम करें, जब तक आप नाम का सुमरण नहीं करोगे, नहीं होगा कल्याण। कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर पाओगे? 10 साल करते रहो, 50 साल करते रहो, जब तक आप अपने को साध नहीं लेते, जब आप अपने श्वासों को साध नहीं लेते, जब आप अपने मन को नहीं साध लेते, बुद्धि को नहीं साध लेते, विचारों को नहीं साध लेते, तब तक शरीर नहीं साधा जा सकता। अगर ये सद गए तो शरीर अपने आप सदना शुरू हो जाएगा। हम ध्यान का कोशिश करते रहते, यम नियम को छोड़ देते हैं। अरे नहीं, यम नियम का पालन नहीं करना, विस्फोट होगा साधना के अंदर। कितना भी जोर लगा लो रोकने का, रुक नहीं पाओगे, काबू नहीं होंगे, न विचार काबू में होंगे, न इंद्रियां काबू में होंगी, और भड़कते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, आपका कंट्रोल नहीं होगा। एक एक चीज़ नियम से पालन नहीं होगी, तब तक साधना के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। मार्ग छूट जाएगा, ध्यान छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, साधना छूट जाएगी, और बिना कारण के ही अपने आप को सिद्ध मान लेंगे। न हमारे पास ब्रह्मचर्य होगा, न पवित्रता होगी, न धर्म होगा, न ज्ञान होगा, न शब्द होगा, न प्रेम होगा, न भक्ति होगी, और बन जाएंगे सिद्ध।